गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज बीएससीसी का पेपर हुआ है 2 से 5 में और आप सभी का जो है पेपर अच्छा हुआ, ये ही शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ में। और जो रेस्पॉन्स मिला है पेपर के बाद में, मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे उसी के बेस पर जो है वो पेपर आपको मिला है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप बेसिक से जो है वो कमल सर के यानी मेरे साथ जुड़िए और साथ में इशारा के इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए तो आपको 100% जो है रिजल्ट मिलेगा। और आज के जो पेपर है उसने ये शो किया है कि मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए हैं लास्ट में, इवन जिन्होंने सिर्फ 50-50 क्वेश्चन की 30 जो है वो क्लास भी अगर देखी है तो उस क्लास का जो है बच्चों को बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि चीजें जो है वो आपकी बेसिक से क्लियर होनी चाहिए। अगर चीजें आपकी बेसिक से क्लियर हैं तो वही बेसिक जो है वो आपका एग्जाम में काम आएगा। अगर आप शॉर्ट ट्रिक भूल भी गए तो उस बेसिक से आप उसका आंसर निकाल लेंगे। और मैं यही करता हूं कि पहले आपको बेसिक पढ़ाता हूं फिर मैं आपको जो है वो शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। ठीक है, तो अब आपका बीएससी से एग्जाम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी मेहनत को सपोर्ट करिए और इस चैनल को जो है आगे से आगे जो है वो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। जिन भी बच्चों का अच्छा पेपर हुआ है वो जरूर इंशाल्लाह पर कमेंट करेगी, सर आपकी वजह से हमारा पेपर काफी अच्छा हुआ। साथ ही आज जो है जो मेरी क्लास है उसमें एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इतने इससे पहले अपन ने सीरीज वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था और सीरीज वाले टॉपिक में मैंने आपको जो है अलग अलग पार्ट में सीरीज पढ़ाई, तो उसी से रिलेटेड मैं टॉपिक लेके आया ताकि आप इस सीक्वेंस को छोड़े नहीं और साथ साथ में अपना जो है रीजनिंग का एक और टॉपिक कंप्लीट हो जाए। और जो नया जो हमारा टॉपिक है आज का, उस टॉपिक का नाम है मिसिंग नंबर। और मिसिंग नंबर जो है वो सीरीज जैसा ही है, बस उसको अलग अलग फिगर के अंदर डाल दिया है, तो उस फिगर की वजह से वो है तो मिसिंग है तो सीरीज का ही टॉपिक लेकिन उसका नाम क्या हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। तो उसी पे आधारित आप आज का पहला सवाल देखिए। मिसिंग नंबर का मतलब ये है कि आपको इस तरह से जो है एक जगह पर दिया जाएगा कि यहाँ पर कौन सा जो है मिसिंग नंबर है तो वो आपको फाइंड करना है। तो दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए, तो लुप्त संख्या का मतलब ही क्या होता है, मिसिंग नंबर होता है। लुप्त संख्या का मतलब क्या होता है, मिसिंग नंबर होता है। तो देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट आपको दे रखा है, देखिए 14249, 42264 और क्वेश्चन मार्क 53 और 169। तो देखिए सीधा सीधा दिख रहा है 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है और 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है। तो आप देखिए 1 को आप 4 में ऐड कर दीजिए तो 5, 5 में 2 ऐड कर दीजिए तो 7 और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसी तरह से 4 प्लस 2 6 में आपने 2 ऐड किया तो 8 और 8 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप 5 में आपने 3 जोड़े 8 और आपको पता है कि 13 का स्क्वायर, तो आप इसमें क्या जोड़ देंगे, प्लस 5 जोड़ देंगे तो 5 और 8 13 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, प्लस 5 इसका आंसर हो गया मिसिंग नंबर। अब देखिए ये एक तरह से सीरीज ही है अगर आप इसको लिखते, पर थोड़ा सा इसमें ये है कि 2-3 सीरीज एक साथ चलेगी और वो जो है इस तरह से जो है अलग अलग जो है आकृतियों में आपको पता करना पड़ेगा। तो आप जो है क्या कहते हैं जो है ना इन सब चीजों को समझिए और समझने के साथ साथ में जो है आप इसको सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको सारे विकल्प दे रखे हैं, इनमें से अपने को लुप्त संख्या निकालनी है। तो अगर आपने सीरीज की सारी क्लासे अटेंड करी है तो इसी ये साथ साथ इस टॉपिक मिसिंग नंबर वाले टॉपिक को साथ साथ लाने का जो कारण था वो यही था कि आप जो है सीरीज के साथ साथ में इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लें। और जिन स्टूडेंट का बीएससी का एग्जाम हो गया, ऐसा मतलब वो नहीं कि वो पढ़ाई को छोड़ दें, वो डेली बेसिस पे जो आपका रूटीन है रोज मेरी क्लास जरूर देखें ताकि एटलीस्ट आपका रीजनिंग के साथ साथ जो है मैथ्स और दूसरे सब्जेक्ट चलते रहें। ठीक है, इसे आपको फायदा होगा कि आपका अभ्यास हो जाएगा क्योंकि आज के पेपर में आपको ये पता चल गया होगा कि आप किस जगह पे हैं और पेपर किस जगह पर है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम था और आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, समय समय पर जो है आपको क्लासेस बढ़िया से बढ़िया मिलेगी। तो देखिए इसमें देखिए आप ये 28, 7, 2, 38 दे रखा है, यहाँ पे 60, 12, 3 और क्वेश्चन मार्क ये वाले निकालने हैं आपको 8, 3, 1 और 11। तो देखिए आप यहाँ पर जो है 28 में से जो है अगर मैं 8 को माइनस करता हूँ तो 28 में से 8 को माइनस करने पर यहाँ पर 20 आता है और मुझे चाहिए 60, तो 20 × 3 = 60। इसी तरह से 7 जो है, 7 और 3 जो है इसका डिफरेंस जो है वो है 4 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो ये आ जाएगा 12। 2 और माइनस 1, 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 और 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 3 और इसी तरह से 38 में से अगर मैं 11 माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में कितना, 27 और 27 को फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, 27 × 3 कितना आ जाएगा,
21, 1, 2, 3 दूना 6 और 2 8, तो इसका आंसर आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके लिए, 81 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ भी नहीं किया अपने यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के और तीन से मल्टीप्लाई किया। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, 63 बीच में है और साइड में आपको 3 3 4 5 दे रखा है, इधर देखिए 6 5 4 3 दे रखा है और इधर 6 3 5 7 दे रखा है। तो देखिए कैसे आएगा ये, अगर मैं 3 को 5 से गुणा करूं तो 3 5 15 और 15 को मैं 4 से गुणा करूं तो 15 4 60, 60 और 3 जोड़ने पर ये कितना हो गया, 63। तो यहाँ पर सिक्वेंस है 3 × 5 × 4 + 3, 3 5 15 15 4 60 और 3 कितना हो गया, 63। इसी तरह से 6 को 3 से गुणा किया मैंने तो 6 × 3 = 18, 18 को मैंने 5 से गुणा किया तो 18 × 5 = 90। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये वाला सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप, इसी में 6 × 5 = 30, 30 को 3 से गुणा किया आपने और 6 × 5 = 30, 30 को 3 से गुणा किया 90, 90 में अपने 7 जोड़े तो 97 आ रहा है। तो देखिए ये वाला सीक्वेंस इसमें नहीं बैठ रहा है। चलिए दूसरा देखिए, इसी में अगर आप यहाँ पर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और ये वापिस 9, 16 और 9 25, 25 25 50 और 9 59, ये भी नहीं होगा। तो देखिए ये ही मेरे हिसाब से होगा यहाँ पर 6 3 18, देखिए 5 3 15 और 15 4 60 और 60 को मैंने 6 से गुणा किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे, 60 में मैंने 6 दिया तो ये 66 आ जाएगा। तो इसी तरह से देखिए 5 3 15 15 7 105 105 पे मैंने 6 जोड़े तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 111 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 5 से किया 15 15 चौक 60 और 3 63, 3 को 5 से किया 15 15 चौक 60 और 6 67, 5 को 3 से किया 15 15 7 105 और 6 111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 36 है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस को जो है वो आप आराम से इजी गोइंग जो है वो टैकल करिए। यहाँ पे देखिए 18, यहाँ पे 18 1 18, 18 2 36 और 18 5 90। इसी तरह से देखिए 13 13 2 26 और 13 5 65। तो देखिए 1 2 5 1 2 5, तो देखिए 15 15 2 15 1 15 15 2 30 और 15 5 75। तो आंसर क्या जाएगा इसका आपका, 30 आ जाएगा। 1 2 5 1 2 5 1 2 5, तो 18 18 2 36, 18 5 90, 13 1 13 13 2 26, 13 5 65, 15 1 15 15 2 30, 15 3 15 5 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 9 है, 9 और 12 में गैप देखिए आप, प्लस 3 का, 12 और 18 में गैप है प्लस के 6 का और 18 में और इसमें आगे गैप आ जाएगा प्लस के 9 का। तो 18 और 9 कितना हो जाएगा आपके लिए, 18 और 9 हो जाएगा आपके लिए 27। कुछ क्वेश्चन आपको इजी भी मिलेंगे लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए 9 3 12, 12 और 6 18, 18 में 9 जोड़े तो 27 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया, 27। तो सिंपल सी सीरीज हो गई ये, 9 12 18 और 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल सब में सेम है, 1 9 25। तो देखो ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, इसी तरह से ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो अब आ जाएगा 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। 1 का स्क्वायर फिर 2 का, फिर 1 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, मतलब 2 आगे बढ़ रहा है, फिर 5 का स्क्वायर, 1 3 5 2 4 6 3 5 और 7, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो इसका आंसर जो है वो हमारे लिए क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अब यहाँ देखिए आप 3 3 6 5, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वैसे ही आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। देखिए 3 3 9 और 6 6 5 30, तो देखिए आमने सामने नंबर को मल्टीप्लाई किया, 6 × 5 = 30 और 3 3 9, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जोड़ एड जोड़ मल्टीप्लाई करके जोड़ कर दी, इधर भी देखिए 7 5 7 5 35 और 4 4 16, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। और फिर आगे देखिए 5 5 25 और 3 4 12, और 24 और 12 कितना हो जाएगा, 37। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 37 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 37 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
तो देखिए दिए गए विकल्पों में अपने को लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए सीधा सीधा पता चल रहा है ये 85 है, ये 20, ये 5 है, ठीक है, और ये वाली टर्म हमको निकालनी है, जो वाली जो इसमें एक चीज ध्यान रखना आप कि हमेशा जो टर्म आपको निकालनी होती है उसी के साथ कुछ ना कुछ लॉजिक है। जैसे ये वाली अगर आपको टर्म निकालनी है तो कुछ ना कुछ यहीं पे कुछ ना कुछ लॉजिक है, ठीक है, वो आपके साथ अभ्यास से होगा। आज अपनी पहली क्लास है ये, आप कोशिश करिए कि आपको ये सवाल आ जाए, फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन और इसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर लाइव सेशन होगा उसके ऊपर अपन और इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो आप निश्चित रहिए, लेकिन सीरीज के साथ साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कोई और टॉपिक लेने पर आपको वापस जो है वो दिक्कत आती है, इसलिए साथ साथ मैंने ये टॉपिक ले लिया। और सबसे मेन चीज ये कि आप आराम से पढ़िए, जिस तरह से बीएसटीसी के अंदर आपको रीजनिंग और मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आने दी मैंने, उसी तरह से आने वाले एग्जाम में भी आपको जो है बहुत अच्छा लेवल मिलेगा। लेकिन एक बार आप इसके बेसिक को कंप्लीट करिए, फिर अपन धीरे धीरे जो है वापस इसके जो है नए जो जिसमें स्तर से ऊपर आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप 85 जो है उसमें से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो 85 में से 5 माइनस करने पर ये आ जाएगा आपके पास में 80, और 80 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो मैं आ जाएगा 20। फिर नेक्स्ट देखिए 126 में से 6 अगर मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 120, और 120 में मैं 5 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 24। इसी तरह से आगे देखिए 175 में से मैं अगर 7 माइनस करूं, 175 में से जो है वो अगर मैं कितना माइनस करूं, 7 माइनस करूं तो ये मेरे पास में आ जाएगा 168, और 168 को मैं देखिए 4, 5 और 6 से अगर मैं इसको डिवाइड 4, 5 और 6 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 6 टू जा 12, फिर बचा आपका 4 और 8, तो ये 6 8 जा तो 28 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 28 आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिए आप 85 में से 5 गया तो 80 में 4 से डिवाइड किया 20, 126 में से 6 गया, 126 में से 6 गया तो 120 में को 5 से डिवाइड किया 24। इसी तरह से 175 में से 7 निकालेंगे आप तो 168, और 168 को 4, 5 और 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 टू जा 12, पीछे बचा आपका 4, 4 और 8 कितना हो गया 48, 48 में आप 6 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 8, तो आंसर क्या आ गया आपका 28 आ गया। बहुत बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दिए गए विकल्पों में सवाल सब में सेम है, बस आपको ये देखना है कि कौन सी सीरीज इसमें आ रही है। तो देखिए फर्स्ट क्लास आप, अब देखिए इसमें सवाल यहां पर देखिए 3 है, यहां 3 है, तो देखिए 3 3 9 और 6 5 30, तो ये आपका आंसर हो गया 39, ठीक है। इसी तरह से 7 5 35 और 4 4 16, ये सवाल मैंने अभी जस्ट आपको करवाया, शायद ये रिपीट हो गया, तो ये आपके लिए 51 हो गया, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 5 5 25 और 4 3 12, 37 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करिए, तो देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 8 है, यहाँ 32 है, तो ये 8 × 2 16 और 16 × 2 32, 8 × 16 16 × 32, 9 × 18 18 × 36, 10 × 20 10 × 2 20 20 × 2, ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 40 आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ का क्या कर रखा है, 8 को 2 से गुणा किया तो 16, और 16 को 2 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा 32। इसी तरह से आगे 9 को 2 से गुणा किया 18, और 18 को मैंने 2 से गुणा किया तो ये आ गया 36, और इसी तरह से 10 × 2 तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए अब यहां पर ये कह रहा है कि ये आंसर आपको निकालना है, तो देखिए क्वेश्चन का जो स्तर है वो बहुत मैं बेसिक लेके आया हूं ताकि आपको शुरुआत में जो है वो झटका ना लगे। जैसे लाइव सेशन की बात करूं तो लाइव सेशन में क्वेश्चन जो है वो बहुत स्तरीय थे, काफी सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर आज के जो सवाल है वो थोड़े कम समझ में आए, तो आपको मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप एक बार स्तर से, क्योंकि देखो सारे स्टूडेंट होशियार नहीं होते हैं और सारे स्टूडेंट जो है वो वीक भी नहीं होते हैं ना, कमजोर भी नहीं होते हैं, तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि क्लास जो है एक टीचर जो है वो सबको साथ लेके चलता है, तो इसीलिए बेसिक से आपको क्लास समझाई जा रही ताकि धीरे 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 आपका जो है वो स्तर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो देखिए 2 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं, 2 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो ये आएगा 6, और मुझे चाहिए 3, तो वापस इसमें 2 का भाग दे दो तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, सॉरी 2 6 में तो आंसर क्या आ जाएगा 3। इसी तरह से 6 4 12, 4 को मैं 3 से गुणा करूंगा, 4 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 12, और 12 में मैं अगर जो है वापस 2 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 6, यहां पर मैंने 2 का ही भाग दिया था। इसी तरह से 5 4 20, 5 × 4 बराबर क्या आ जाएगा 20, और 20 में मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और फिर
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दो से भाग दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दो से डिवाइड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है वो दो से डिवाइड किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अब यहां पर फर्स्ट वाला टर्म ही हमको फाइंड करना है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप आगे में किसी में भी दे सकते हो। देखिए 20 और 36 में गैप है 16 का, 36 और 68 जो है इसके अंदर आपको गैप मिलेगा 32 का, ठीक है। 132 और 68 के अंदर आपको गैप मिलेगा 32 और 32 64 का, ठीक है। और इन दोनों के अंदर आपको गैप मिलेगा 60 और 60 120 और 12 128 का, ठीक है। अब देखिए यहां पर, यहां पे देखिए 16 दुना 32, 32 दुना 64, 64 दुना 128, इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा आपका 8 का गैप आना चाहिए यहां पर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12। 8 दुना 16, 8 दुना 16, 16 दुना 32, 32 दुना 64, 64 दुना 128, यानी कि यहां पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आप 48, 14, 42 और 8 यहां पर ये दे रखा है, फिर ये याद करना है, फिर ये याद करना है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, ये क्वेश्चन जो है वो 5-7 सेकंड के लिए आप सोचिए इसके ऊपर कि इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, ठीक है। तो कैसे इसका आंसर आप लेके आ सकते हो ये वाली टर्म, तो देखिए लॉजिक यहां पर लगाना है आपको, तो सिंपल सा देखिए यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो देखिए 48 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं, तो 48 डिवाइड बाय 8 करने पर जो है क्या आंसर आएगा, 8×48 6, क्या आंसर आएगा 6। और 42 को 12 से 42 को 14 से डिवाइड करने पर आ जाएगा आपके पास में 14×42 3। और अब आप देखिए यहां 3 आ रहा है, यहां 6 आ रहा है, और 6 को 3 से गुणा करने पर आंसर क्या आ जाएगा 18। तो 6×3=2 आंसर क्या आ जाएगा 18। तो बिल्कुल सही पकड़ा है अपन ने। देखिए 9, 45 में 9 का भाग देंगे आप, तो 45 में 9 का भाग देंगे तो 9×5=45, और 21 में आप इसका भाग देंगे तो 21×63, ठीक है। तो ये 21×63 तीन बार जाएगा और इधर जाएगा 5 बार, और 5 को 3 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा आपका, 5 को 3 से गुणा करने पर आंसर आ जाएगा 15। इसी तरह से यहाँ पे देखिए आप 8×7=56, 8×7=56 और 17×3=51, ठीक है। तो 3 और 7 तो क्या आंसर आ जाएगा 21 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर 21। तो देखिए इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया और जो संख्या आई है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया और जो संख्या है उसको आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को डिवाइड किया और जो संख्या है उसको आपस में क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। तो आंसर क्या आ जाएगा देखिए 7×3=21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए में से देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, मुझे भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल लगा ये, है ना। टेक्निकल टीम जो है वो बहुत मेहनत करके आपके लिए सवाल लेके आती है, ठीक है। तो हमारे लिए भी, मेरे लिए भी ये सवाल नए होते हैं, तो आप जो है इस सवाल को देखिए, काफी अच्छा स्तर रहा इसका। तो देखिए यहां पर देखिए 1 और 1 का क्यूब, 2 और 2 का क्यूब, 3 और 3 का क्यूब, और यहां आ जाएगा 4 और 4 का क्यूब 64, और यहां 5 और 5 का क्यूब, ठीक है। 1 और 1 का क्यूब, फिर 2 और 2 का क्यूब, फिर 3 और 3 का क्यूब, और 4 और 4 का क्यूब, और 5 और 5 का क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, और यहां पे देखिए हिंट दे रखा है, बीच में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यूब कर रखा है। तो देखिए 464 आपका इसका आंसर हो जाएगा, 464 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए ये सवाल देखिए आप, 27 3 4, 17 6 5, 31 3 और क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर बताइए आप। तो देखिए सिंपल सा आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि 27 कैसे लाना है, तो आप बताइए कि कैसे इसमें 27 आएगा। यहां पर आपको ये वाला मान लेके आना है, यहां पर क्या है 4 और 3 दे रखा है, यहाँ पे 6 और 5 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है। तो जनरली आप क्या करेंगे देखिए, अगर आप 27 जो है उसमें 3 का भाग देंगे तो 9 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर तो 4 है, ठीक है। तो आप देखिए 4 जो है उसमें कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे गुणा करें, कैसे भाग करें कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। कुछ 5 सेकंड आप इसके ऊपर सोचिए, क्योंकि मैं तो अभी आपको इसका आंसर बता ही दूंगा, ठीक है। तो आप सोचिए कि आप इसका आंसर जो है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। बाकी इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस। चलिए बताइए, तो देखिए आप 27 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, 6 बार। 27 में मैं अगर 4 का भाग देता हूं तो 27 में 4 का भाग जाएगा आपका कितनी बार, 6 बार, और शेषफल बचेगा 3। तो ये देखो ये शेषफल। इसी तरह से 17 में 6 का भाग जाएगा आपका 2 बार, यानी 12, और शेषफल कितना बचा, 5। इसी तरह से 31 में आप जो है वो क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देने पर ये जाएगा 10 बार,
और आपके लिए शेषफल कितना बच जाएगा, एक। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो मैंने यही कहा आपको, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। 27 में 4 का भाग दिया शेषफल 3, 17 में 6 का भाग दिया शेषफल 5, और 31 में 3 का भाग दिया शेषफल कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या कर सकते हैं, सेम सवाल है, थोड़ी सी बस नंबर चेंज है। फिर से इसके लिए आप जो है 10 सेकेंड आपके पास है, आप जल्दी से आंसर मत देखिए, पहले जो है इस क्वेश्चन को देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है। बहुत ही आसान सवाल है, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए 9 और 6 में डिफरेंस निकाल दीजिए 3, और उसको 9 से गुणा कर दीजिए। 3 और 8 में डिफरेंस निकाल दीजिए 5, और उसको 9 से गुणा कर दीजिए। इसी तरह से 18 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ देखिए मैं कितना लिखूं कि यहाँ 18 आ जाए। तो देखिए 9 को 2 से गुणा करना है, और डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 6 और 4 में डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का। देखिए 9 में से 6 माइनस किया 3, 8 में से 3 माइनस किया 6, 6 में से 4 माइनस किया 2, इंटू 9 27, इंटू 9 45, सॉरी 8 में से 3 गए तो 5 है यहाँ पे, ठीक है। 9 पंजे 45, और 2 को फिर मैंने 9 से गुणा किया, तो आंसर क्या आ गया आपका 18। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 38, ये 56, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत बेसिक लॉजिक है। और मैं वही कह रहा हूं आपको कि रीजनिंग जो है मैथ्स में, तो चलिए फिर भी आपके पास फॉर्मूले जो, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि सर हम फॉर्मूले कैसे याद करें, इन सवालों को कैसे करें, लेकिन रीजनिंग में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। रीजनिंग में आप चाहिए वैसे इसके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी। देखिए 38 और 56, तो 56 में अगर मैं 38 ऐड करता हूं और फिर 6 भी ऐड कर लेता हूं, तो ये आंसर आएगा 8 6 14 और 6 20 2, तो ये आ गया 100। यानी इन तीनों का जो एडिशन है वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। चलिए देखिए ये वाला लॉजिक है या नहीं है। 6 8 14 और 6 20 0 2 4 1 5 3 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 100। और ये भी क्या हो जाएगा, देखिए तो 55 और 3, 5 और 3 8, और 5 4 9, तो कितना बच रहा है, 2। 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ये अब देखिए इसका आंसर, देखिए ये तो आसान सवाल है। देखिए ये 9 का स्क्वायर है, ये 9 का जो है वो क्या है, स्क्वायर है, और ये 9 का क्यूब है। इसी तरह से ये 8 का क्यूब है और ये 8 का स्क्वायर है। इसी तरह से ये 7 का स्क्वायर है, तो ये 7 का क्यूब, 7 का क्यूब आपको पता है 343 होता है, तो आंसर क्या हो गया, 343 हो गया। तो आपको याद होना चाहिए स्क्वायर और क्यूब। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए 9 का स्क्वायर 81 यानी 9 × 9, और 9 का क्यूब 729 यानी 9 × 9 × 9। इसी तरह से 8 का 8 × 8, और इसी तरह से 512 का 8 × 8 × 8। इसी तरह से 7 का 7 × 7, और इसी तरह से 7 × 7 × 7, तो 49 × 7 343, ठीक है। चलिए तो आज के इस टॉपिक में मैंने आपके सामने जो है वो 17-18 सवाल लेके आया हूँ, जो बिल्कुल बेसिक स्तर के थे। और इन बेसिक स्तर के क्वेश्चंस को आप करिए, नेक्स्ट वाली जो अपनी क्लास होगी वो इसी पर आधारित होगी। फिर उसके बाद में जो है, जब भी मान लो कि अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगी सर, तो आप लाइव सेशन से जुड़िए, उसमें आपके क्वेश्चंस लेके आइए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से अपने को BSTC में सफलता मिली, उसी तरह से कांस्टेबल में सफलता मिलेगी, तो आप अधिक से अधिक क्लासों को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक स्तर से आपको पढ़ाया जा रहा है, किसी तरह का कोई भी जो है वो यहाँ पर रिदम, मतलब क्या कहते हैं, नाटक नहीं है कि आपको जो है वो इसलिए अच्छा पढ़ाया जा रहा है कि हमको हमारा जो वो करना है। हमारा जो पहला धर्म है इंशाल्लाह का, वो यही है कि हमें हर बच्चे तक जो है एजुकेशन पहुंचानी है। और आप जो है लाइक शेयर करने से किसी तरह की आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए लोहा जो है उसको चाहे आप कितना ही पीट दो, लेकिन फिर भी उसके बाद में वो एक बढ़िया औजार बनता है ना, तो आप भी उसी तरह से अपनी लाइफ में काम करते रहिए। अभी जो आपके सामने दिक्कतें आ रही है वो आपको पीट रही है, और पीटने के बाद आप निखरोगे जैसे सोना निखरता है, जैसे लोहा निखरता है। तो इसीलिए आप मजबूती से खड़े रहिए और जो है मेहनत करिए खूब जी भर के। और जिस तरह से आज आपने आज का पेपर क्रैक किया, वैसे आगे वाले पेपर भी आप क्रैक करते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल की क्लास में मिलते हैं।